नोएडा के मारवा स्टूडियो में पिछले 6 सालों से चले आ रहे ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक को शानदार तरीके से बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस साल भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए फैशन शो की शानदार शुरुआत की गई। मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के पहले दिन के पहले सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें सुंदरता और टैलेंट की नई मिसाल कायम हुई। मारवा स्टूडियो में पहले दिन फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें कई प्रकार के डिश का प्रदर्शन हुआ, जिसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं था। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग देशों की क्विजिन बनाकर परोसे गए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर एग्जीबिशन भी लगाया गया। इतिहास से प्रेरित होकर इसमें कई देशों से प्रेरणा ली गई। इसमें क्यूबा, मोरक्को, पेरू, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, साइप्रस, आयरलैंड आदि देशों से प्रेरणा लेकर खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की 30वीं वर्षगांठ और AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन भी अपने 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स द्वारा फैशन शो का दीप प्रज्वलन से शुरुआत की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर रितु लाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुक लॉन्च भी किया गया। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित प्रधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें कई कलेक्शन जैसे एडवेंट कार्डिये, करथला माउंट, माउंटेन विटनेस सनसीन, बेफिक्र कलेक्शन आदि शामिल थे। बता दें कि रैंप पर मॉडल्स ने खूबसूरती और टैलेंट का जलवा बिखेरा, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए और खूब वाहवाही की। Yes, I'm happy to be here today and I see the how young, bright people doing the inspiring the whole day, and of course the future of India looks bright, and of course that the love, peace and unity, that's the what we need as of today in the world. And I'm happy that our young generation looking forward with the optimism, and I'm quite sure that they will succeed in their life. I would like to wish them, all designers, all the studio, all the furniture, everybody who's attending the event and who's participating, artists, all the best wishes. Thank you. Organizing the 7th Global Fashion Week, it was a very pleasant and beautiful organized event. I was very, very impressed by the talent showed by the student through the exhibition organized. I was managed to sample some of the culinary food prepared by the students, especially satay, as well as some of the inspiration from Malaysia used on display during the fashion show, as well as the decor used for the festival. I wish all the success to all the students and to AFT for the wonderful event, and wishing you all the success for the next years and future events. Thank you. खुद का ब्रांड है House of Tanmaya and Manish Tripathi. So it's a women's wear and men's wear. और हमारा foundation है Udra Foundation that works for 7,000 more than women's right now in a fashion industry. मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे young students को आप? Young students को मैं यही देना चाहूँगी कि आपको ना बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए obviously. And life में affirmation and manifestation is very, very important to grow fast and और थोड़ा सा अपने आप को ना एक क्या कहते हैं आपको उसको बोलते ना थोड़ा सॉलिड रखना चाहिए टू डू बेस्ट इन योर लाइफ एंड गो हार्ड. आज का फैशन एज ए ग्लोबल इंटरनेशनली एक्सेलेंट दिस प्रोग्राम डिजाइन एंड फैशन डिजाइन, दिस इज एप्रिशिएशन बाय द स्टूडेंट्स दोज हैव डन दिस थिंग. And many peoples are from the out of India, like all ambassadors from different countries. So there is impression going to our economy. Nowadays, India is one of the top economies in the world. So that this is the part of the economy, our business as an economy will be developed by this such type of activities. This is my view.
रिव्यूज। हमारा पूरा पर्पस ही यही रहता है जब हम लोग ग्लोबल कल्चर, जब ग्लोबल फैशन वीक करते हैं, कि हम किस तरीके से विभिन्न देशों के कल्चर को इसके ज़रिए आम जनता तक पहुंचाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि 68 मुल्कों की सरकारों ने मुझे अपना कल्चर एम्बेसडर कह लीजिए या कल्चर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है, और मैं इन तमाम मुल्कों को धीरे धीरे करके और एक एक करके इस फैशन वीक के ज़रिए भी आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपने अगर भी देखा होगा कि हमने किस तरीके से खूबसूरत ढंग से उनके कल्चर से, उनके देश से, उनके मुल्क से प्रभावित होकर सारे कॉस्ट्यूम्स को, सारे ड्रेसेस को तैयार किया है, और जिसका नेट रिज़ल्ट ये होता है कि ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि उनके मूल तक जाती है, और वहाँ के लोगों को ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में उनके कल्चर को किस खूबसूरती से सराहा जाता है। और ये पहला नियम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्चर को कोई सराहे या उसकी तारीफ़ करे, उससे पहले आपको उनके कल्चर की तारीफ़ करनी चाहिए, और ये नियम हमारा बड़ा कामयाब हुआ है। पिछले 7 साल से हम लोग ग्लोबल फैशन वीक को लगातार करते चले आ रहे हैं, और आज भी पहले इस शो में भी मुझे खुशी है कि तकरीबन 6 मुल्कों के यहाँ पर डिप्लोमेट्स यहाँ पहुँचे, जिन्होंने हमारी सारी मेहनत को देखा, सराहा और पसंद किया। सर, कितने मुल्कों से लोग इसमें इस बार हिस्सा लेंगे? कुल मिलाकर हम लोग 62 मुल्कों को विभिन्न कपड़ों के ज़रिए यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो बच गए हैं उन तमाम मुल्कों को हम लोग फर्नीचर के ज़रिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। करीब 80 फर्नीचर हम लोग तैयार करके यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, जो किसी न किसी देश के कल्चर से, उसके इतिहास से, उसके मॉन्यूमेंट से, उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से प्रभावित हुए। पहले हर शो नया है, आप ये समझिए कि 175 डिज़ाइनर हैं और करीब 550 हम लोगों ने ड्रेसेस तैयार की हैं, 80 फर्नीचर के पीस तैयार किए हैं, और ज्वेलरी एग्जीबिशन है जिसके अंदर स्टिल फोटोग्राफी की एग्जीबिशन है, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ नए मुल्क जुड़ रहे हैं जो पिछली बार नहीं थे। मैं समझता हूं कि शायद देश में नहीं बल्कि दुनिया में इस किस्म का, इस ख़ास तौर पे ऐसे कंसेप्ट और आइडियोलॉजी को लेकर अब तक कोई भी फैशन वीक नहीं हुआ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं।